खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है। आपको बताते चले कि महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर ब्लॉक बीकापुर के एक सभागार में विभिन्न मुद्दों पर घंटों मीटिंग की है। इस दौरान महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के जिला संरक्षक गुड्डू सिंह ने सभागार में मौजूद सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने जो मोबाइल फोन हमको दिए हैं वह सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की फीडिंग हम इस मोबाइल से नहीं कर पा रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह खराब मोबाइल है। उन्होंने यह भी बताया कि किस सरकार के माध्यम से जो मोबाइल फोन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को दिया गया है उसका चार्जर तक दुकान पर नहीं मिल रहा है। जिला संरक्षक ने कहा कि इसकी सूचना हमने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक किया है। तो वहीं दूसरी तरफ महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की पदाधिकारी मिथिलेश सिंह ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को जो साड़ी पहनने के लिए सरकार के द्वारा दी जा रही वह एकदम घटिया की है। उन्होंने बताया ना तो उसमें ब्लाउज है और ना ही पेटीकोट है और साड़ी की लंबाई भी कम है। मिथिलेश सिंह ने बताया आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कम पढ़ी लिखी होने के कारण उनको सरकारी योजनाओं की फीडिंग करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मिथिलेश सिंह ने सरकार से साड़ी के पैसे की कीमत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में ट्रांसफर कराए जाने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी राकेश मिश्रा ने बताया हम सरकारी योजनाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार ने जो हम सिस्टम दिया है वह सही रूप से काम नहीं कर रहा है। महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने सरकार से इस समस्या से जल्द निस्तारण कराने की मांग की है। विराट 24 के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। हम चाहते हैं कि जो फीडिंग का कार्य दिया गया है मोबाइल नहीं दिए, 2018 में जो मोबाइल मिली थी कार्बन मोबाइल थी, इतनी थर्ड क्वालिटी की मोबाइल थी कि तुरंत मिली और तुरंत ब्लास्ट हुआ। आज भी मोबाइल नहीं दिया गया और फीडिंग हो रही है और ना उसका रिचार्ज है और ना जो है अन्य मत का भी जो जैसे अल्पराशन होता है गुजराई होती है किसी मत का पैसा मानदेय के खाते में नहीं आता है। उसके लिए प्रधान से रिक्वेस्ट करिए, विनती करिए, सिरोही करिए, तब आएगा। आइए कि ये दिए हैं साड़ी, इतनी थर्ड क्वालिटी की साड़ी है कि वो 4.5 मीटर से ज़्यादा की नहीं है, 4.5 मीटर होगी तो साड़ी कौन पहनेगा। पहले तो इतनी मतलब पतली है कि उसको पहनने का तो कोई सवाल नहीं है, छू दीजिए तो फट जाएगा। कब मिली है मैडम? अभी हाल ही में मिली है, मतलब जुलाई में ही मिली है, तो उसको तो पहनेंगे ना। सरकार अगर जो देना ही चाहती है तो ढंग की साड़ी दे, तब तो कोई पहने, उस पर पेटीकोट दे, ब्लाउज दे। आपको सुनना मिथिलेश और फिटिंग कैसे करा रही है? आंगनबाड़ी को 5500 रुपया देंगे और इनको चाहिए स्मार्ट मोबाइल। आंगनबाड़ी की नियुक्ति हुई है 8वीं और 10वीं पास पे, फीडिंग करे आंगनबाड़ी इनकी स्पेलिंग में इंग्लिश में, इनको सारी रिपोर्ट जो है मोबाइल पे इंग्लिश में, मतलब सरकार भी आंगनबाड़ी का मजाक बना रही है, सारा साथ में सारा विभाग भी उसमें अटैच है मजाक बनाने में। तो हम तो बस इतना ही कहेंगे कि पहली चीज कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब फीडिंग नहीं होगी मेरे जिले में तो नहीं होगी जब तक कि मोबाइल सरकार उपलब्ध नहीं करा देती है। और रिचार्ज का पैसा, गोद भराई और अनप्राशन का पैसा आंगनबाड़ी के अकाउंट में न देगी तब तक भी नहीं। दोनों चीज साथ में चाहिए और साड़ी मिल तो गई है, लेकिन साड़ी कोई भी आंगनबाड़ी पहनेगी नहीं जब तक कि अच्छी क्वालिटी की साड़ी सरकार की ओर से नहीं आएगी। साड़ी लाई है? लाए नहीं है, लेकिन भैया आप उसको देखेंगे तो शर्मा जाएंगे। सुधारने का प्रयास करेंगे, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के तारीख से बंद, तब तक बंद।